जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना। आज गोवर्धन पूजा की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पूजा व्रत कथा। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा आज के दिन मनाया जाएगा। वहीं इस पर्व की खास रौनक मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव में देखने को मिलती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। इस दिन गाय की विशेष श्रृंगार करने उनकी पूजा भी की जाती है। साथ ही घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई जाती है और फिर फूल दीप धूप आदि से उनकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया। इंद्र ने इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। ये देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा कि आप लोग और उत्सव की तैयारी क्यों कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया कि देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र देव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरा करती हैं और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपमान समझकर ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग उसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठा रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भींगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। तब उन्हें ये पता चला कि इनके मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करने उन्हें स्वयं भोग लगाया और तभी से ही गोवर्धन की पूजा शुरुआत हुई। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, मुरलीधर कन्हैया की जय। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वस्व हैं, वे सब जानते हैं। फिर भी विनयावन होकर उनके नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुँचा, इसका फल क्या है, पिताजी आप मुझे ये समझाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वह समस्त प्राणियों को नित्य करने वाला एवं जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं। इस जल से ही पृथ्वी के गर्भ से सामग्रियां उत्पन्न होती हैं, गांव को हरा हरा चारा मिलता है तथा जीवों को समस्या का सावधान होता है। मनुष्यों को खेती आदि प्रत्यनों के फल देने वाले इंद्र ही हैं।
विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनका यज्ञ कर हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा शंकर आदि वह भी शासन करने वाले केशव भगवान के नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, कार ही पूजा है, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कार के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों को पालन करते हुए कर्म का ही आदर करें, जिससे द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही इसका इष्ट देव होता है। इसलिए पिताजी, हमें गौ, ब्राह्मण और गिरजा का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए तो सामग्रियां इकट्ठी की गई, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, भुजिया, समोसा आदि से लेकर मूसलाधार मूंग दाल तथा बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेद पार्टी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गौ और दक्षिणाएँ दी जाएं। गाँव को चारा दिया जाए और फिर राजा को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर घर गहनों से सजा दिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज पर्वत की प्रतिक्षण की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मत है, ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा कि बेटा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र महाराज नाराज हो गए तो फिर इंद्र के कोप से तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। जो कुछ भी हम भोग लगा देंगे वह सब कुछ खाना होगा। हमारी संपूर्ण अभिलाषा जिस प्रकार इंद्र पूर्ण करते हैं उसी प्रकार पूरा करना होगा। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा आदि की सभी बातों को मान लिया, क्योंकि कालात्मा भगवान की इच्छा भी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था वैसा यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पहले ब्राह्मणों से स्तुति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मण को सादर भेंटे दी तथा गौ को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौ को आगे आगे कर गिरिराज की प्रतीक्षा की। ब्राह्मण को आशीर्वाद प्राप्त कर वे और गोपियाँ भली भांत श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण कर प्रकट हो गए तथा गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री रोगने लगे, खाने लगे। एक रूप से पूजते हैं, एक रूप से रहे पुजाए, शेष भुजा फैलाए, मांग मांग कर खाएं। सभी जन गिरिजा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रचलित हो रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उनके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख नींद की सुखुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हान समझकर मेघों को आज्ञा दी कि ब्रज में जाकर प्रहकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दो। पर्वतकार पहलाकारी बादल ब्रज की ओर घमंड उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी में डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सात सुमन देते हुए कहा कि तुम लोग गऊओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करें।
इस तरह के समस्त उगाल बाल गोवर्धन की तरासी में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपियों से उसी की छाया में सुखपूर्वक नमाज किया। भगवान की कृपा से उनको एक चीटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान श्री के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन के नीचे रख दिया और इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। यही है अन्नकूट की व्रत कथा। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। गोवर्धन महाराज की आरती। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरी 7 कोस की दे परिक्रमा और चकलेश्वर तेरो विश्रामा। तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे गले में कंठासा यो हो थोड़ी पे हीरा लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे कानन कुंडल चमक रयो, तेरी झांकी बनी विशाल। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, गिरजाधर प्रभु तेरी शरण में करो भक्ति का बेड़ा। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोले गोवर्धन महाराज की जय।